कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर है, मैं उस ब्रेकिंग खबर की तरफ जाना चाहता हूं। तिरुपति के मंदिर में मिलावट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, मछली के तेल की पुष्टि, ये जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टि, ये खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था आरोप और तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर बड़ा पर्दाफाश, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त में। और तमाम सारे लोगों की श्रद्धा जिसमें तिरुपति मंदिर जो हमारा सबसे श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र, वहां पे मिलावट की जो ये रिपोर्ट आई है, मछली के तेल की पुष्टि, तिरुपति के लड्डू में वो वहां पे जो प्रसाद में लड्डू मिलता है, तिरुपति जो लोग जाते हैं उसमें मछली के तेल की बात सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वास्तिका फोन लाइन पर जुड़ रही है, मैं उनके पास सीधे जाना चाहूंगा। स्वास्तिका, ये पूरा मामला क्या है, इसको जरा सा खुलासा किया जाए और बताया जाए कि जांच रिपोर्ट कहां की है और किसने जांच किया, सरकार की तरफ से क्या इस पर आधिकारिक रूप से बात आई है। जी, आंध्र के सीएम ने ये बात कही। जी जी, ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट है जिसपे टीडीपी ने पर्दाफाश किया और उन्होंने ये कहा सिर्फ मछली का तेल नहीं बल्कि चर्बी भी मिलाया गया था। जब जगन मोहन रेड्डी सरकार में थे उन्होंने बीफ और मछली का तेल और सारे जो अडल्ट्रेटेड सामान है घी में मिलावट करके उससे लड्डू बनवाते थे। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ लड्डू सिर्फ लोगों में नहीं बांटा जाता था 40 रुपए में, बट ये लड्डू या नैवेद्य भगवान को भी दिया जाता था। इसका पूरा पर्दाफाश टीडीपी ने किया एंड के दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कल कहा था कि एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है। आज टीडीपी ने इसके ऊपर एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा कि सिर्फ फिश ऑयल नहीं बल्कि बीफ का भी इस्तेमाल किया गया लड्डू में, जो तिरुपति का फेमस लड्डू है जिसे सब साधन करते हैं उसमें बीफ मिला के, जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे पैसे बचाने के लिए बीफ मिला के, बीफ का तेल मिला के वो लड्डू बनाते थे। 5 ऐसे टेंडर्स हैं जिनमें से 2 घी प्रोवाइडिंग कंपनीज को घेरा किया गया है, उसमें से एक कंपनी। स्वस्तिका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये किस समय और किस पीरियड की बात है जब ये लड्डू में ये चर्बी की बात आई है। ये जो सरकार है, सरकार जून में आने के बाद सरकार ने तिरुमला तिरुपति में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग जारी किया था, जिसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट जुलाई में रिलीज किया जिसमें साफ तौर से लिखा है कि बीफ का चमड़ी और फिश ऑयल मिलावट करके लड्डू में प्रसाद बांटा गया था जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में थे। जगन मोहन रेड्डी 2019 से लेकर 2024 के मार्च तक सरकार में थे, उसके बाद उनकी हार टीडीपी के साथ हो जाती है, जिसके बाद टीडीपी ने विजिलेंस टीम के द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में विजिलेंस जारी किया, जिसके बाद जितने भी लड्डू के सैंपल्स थे, अन्नदानम के सैंपल्स थे, उसको लैब में भेजा गया और उसके बाद ये पर्दाफाश हुआ ये रिपोर्ट जिसने क्लियरली कहा है कि मिलावट इस तरीके से मिलावट कर रहे हैं जहां की लोगों के धर्म को भी भ्रष्ट करने के लिए सरकार जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे बीफ का इस्तेमाल करके लड्डू। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि तिरुपति के जो नैवेद्यम है यानी जो लड्डू है उसमें चर्बी, न सिर्फ चर्बी, मछली का तेल भी मिलाया जा रहा था। जो मौजूदा सरकार है वहां पर तेलुगु देशम पार्टी ने, उसने इसके बारे में सैंपल की बात कही थी, उसने इसके बारे में विरोध जताया था और वो अब पुष्ट हुई है। नेशनल डेवलपमेंट जो डेयरी है उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा गया। सबसे पहले बीजेपी